47 फिनिश पॉइंट्स के साथ साथ ही इज हियर. हेलो, हाउ आर यू नियो? गुड, हाउ आर यू? गुड, बस गुड यार. एमवीपी बने हैं आप, मतलब गुड. मैं चेयर से उठ के ना नाचने लग जाता अगर मैं एमवीपी बनता हूँ. इसलिए यस देखिए हाँ, बट नियो को जो चीज मुझे लग रही है शायद टीम भी अगर साथ में ऊपर रहती तो और भी बेस्ट रहता, लेकिन नियो एक अच्छा एक बोल सकते हैं ना एक्सपीरियंस है, एंड प्लस आपने इतने ज्यादा जो कंपटीशन चल रहा था उनको मात दी है. एमवीपी की लिस्ट में स्पेसिफिकली जो मैं बात करना चाहूंगा उसमें सभी को बीट करा है. 37 फिनिशेस जो हमें रिकॉर्ड में अभी पता चले, तो काफी अच्छा लगा रिकॉर्ड हमें सुनने को मिला. थैंक यू. ओके, तो ये मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल रहने वाला है. वेल, मैंने बहुत देखा है कि इंसेन की टीम में केयर फ्री एटीट्यूड में खेलते हैं, एंड जब भी वो केयर फ्री एटीट्यूड आता है इंसेन को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है. तो तब आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है? बिकॉज मुझे याद है पिछले टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम में भी जब आपने आखिरी मैच खेला था टोटल 23 फिनिश पॉइंट्स लेकर आप सेकंड रन लेके गए थे आखिरी मैप, एंड यहीं पे आपने वापस से वही दोहराने का कोशिश किया. सो आपका क्या मानना है कि इंसेन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से गेम पे दिखाने में यू नो आगे आती है? लाइक हम लोग थोड़ा अग्रेसिव खेलते हैं, मतलब अगर जोन किसी को मार के जाना है तो अपन जा सकते हैं, मतलब ऐसा गेम है. और जब भी खेलते हैं तो एकदम फ्री माइंड से खेलते हैं और हमेशा किल खेले जाते हैं, तो अपना यही माइंड. लेकिन एक नियो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि शुरुआत आपकी काफी बेहतरीन रही थी, जैसे हमने देखा था इरेंगल में आपने उस दिन डे वन में ग्रैंड फाइनल्स के डे वन में इरेंगल में काफी अच्छा दबदबा आपका रहा था, लेकिन मिरामार में क्या ऐसा रहा? क्योंकि देखिए हम लास्ट टू डेज की बात करें मिरामार में आपका इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन वो डे वन में क्या चीज हुई, वो क्या मिस्टेक्स हुई जिस वजह से वो परफॉर्मेंस उस डे वन में नहीं आ पाई जो शायद आपने मिस करी इन लास्ट दिनों में, तो वो क्या दिक्कत रही मिरामार मैप में? हम लोग ने बहुत सिली मिस्टेक्स करी एंड थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी रहा टीम में, एंड वही उसी चीज पे वर्क कर रहे धीरे धीरे. बिल्कुल. वेल, इंसेन की टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, हमने देखा है. लेकिन इंसेन जब भी खेलने आते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज घूमता रहता है कि ये जोन को चीर के हर एक खिलाड़ी को एलिमिनेट करके जोन में जाने का तजुर्बा वो रखते हैं. सो ये जो आप टीम के साथ अभी खेल रहे हैं, कितना टाइम हो गया आप लोगों को साथ साथ खेलते हुए, एंड ये सिनर्जी बिल्ड होने में आप लोगों को कितना टाइम लगा? अप्रोक्स 6 months या 8 months लग गया. दैट इज मैसिव, दैट इज रियली मैसिव. वेल, जो बाकी यस एक सवाल पूछना चाहूंगा जाने से पहले, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको इस इवेंट का, क्योंकि कंपटीशन तो अच्छा ही था, कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताने चाहेंगे स्काई स्पोर्ट्स प्रो लीग के बारे में? बहुत बहुत इंटेंस टूर्नामेंट था ये, मजा आया खेल के. ऑलराइट, तो वेल जाने से पहले मेरा आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद जाके आप एंजॉय कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं. बहुत लंबा दिन था मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए. तो मेरा ये जो एक ये सवाल नहीं, आपके इतने सारे फैंस हैं लाइक जो इनसेन को चेयर करते हैं, जो आप जब भी स्क्रीन पे आते हैं उनको चेयर करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? बस ग्राइंड करो, अपने आप ऊपर आ जाएंगे सब. ऑलराइट, थैंक यू सो मच नियो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपके फैंस जरूर इंस्पायर्ड हो. थैंक यू सो मच, एंड वेल विल सी यू अगेन. थैंक यू जी.